आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक विवाद सामने आया। बता दें कि एक व्यक्ति की तरफ से आरोप लगाए गए कि काले रंग को देखकर डॉक्टर ने उपचार के लिए मना कर दिया, जिसके बाद दो व्यक्ति और उसके परिवार वालों की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर जो है विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने डॉक्टर्स और साथ ही साथ उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रधान महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज बिजबिहारा अनंतनाग में केंद्र की मोदी सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ निशाना साधा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर बात कही जाए तो जम्मू कश्मीर एक सेकुलर स्टेट थी, परंतु आज उपराज्यपाल प्रशासन के अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर किसी को अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है और यही नीति पूरे भारत वर्ष में भी अपनाई जा रही है। कल बीती शाम जम्मू शहर के अंदर जो है आंधी तूफान देखने को मिला। इस आंधी तूफान के बाद जो है बारिश का कहर भी देखने को मिला, जिसके बाद जो है जगह जगह पर इलेक्ट्रिक पोल्स और पेड़ जो है गिरे हुए नजर आए। आज सुबह से ही अगर बात की जाए तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य विभाग जो है इन्हें की मरम्मत करने में जुटे हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जम्मू में महंगाई को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, जो साफ है कि यहां पर आम जनता की कमर तोड़ रही है। आज जम्मू के प्रेस क्लब में सीबा की कैलिब्रेशन के साथ एक हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया। इस हेल्थ कैंप की अगर बात की जाए तो इसमें अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से कई विशेषज्ञ जो है पहुंचे थे और इन्होंने मीडिया कर्मियों और उनके परिवारों का यहां पर चेकअप किया। खास बात ये रही कि इस चेकअप के दौरान किसी भी तरीके का कोई चार्ज जो है वो नहीं लिया गया। किसानों को नहर का पानी मुहैया न होने पर आज बीजेपी कार्यालय त्रिकुटा नगर में पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर सुखनंदन चौधरी की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई और कहा गया कि कुछ अफसरों की वाहवाही लूटने के चक्कर में पहली अप्रैल से ही नहर का पानी खोल दिया गया, जो कि पहले 13 अप्रैल से खोला जाता था और इसका कारण ये रहा कि कई जगहों पर सफाई न हो पाई और पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया है, जिससे कि किसानों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सबब बना हुआ है। कस्बा अखनूर में क्रॉस स्वॉर्ड्स डिवीजन द्वारा आर्मी में सेवा दे चुके जवानों के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जीओसी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी क्रॉस स्वॉर्ड्स डिवीजन की तरफ से हम हर साल ऐसी रैली करवाते हैं और अपने आर्मी जवानों की समस्याओं को सुनते हैं। यहाँ पर उम्मीद रहती है कि उन्हें हम जल्द से जल्द ठीक करवा सके। साथ ही साथ बात की जाए तो यहाँ पर वीर नारियों और कई जरूरतमंदों को व्हीलचेयर्स भी बांटी गई। अनिल शर्मा अध्यक्ष अखिल जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन और सरपंच हल्का पंचायत जिंद्रा ब्लॉक जिला जम्मू के डंसाल में जिंद्रा में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। अनिल शर्मा ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विकास कार्यों को लोगों के सामूहिक सहयोग से पूरा किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। आज डीडीसी सदस्य ब्लॉक संगम एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने कांदीवारा संगम ब्रिज की आधारशिला रखी, जिसे लोक निर्माण विभाग उपमंडल कोकरनाग द्वारा हर कंदनवारी को संगम से विलय करने के लिए लोगों की एक पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद जो है तकरीबन आज 1 करोड़ रुपए के खर्च के अनुमान के बाद जो है इस पुल का औपचारिक रूप से काम शुरू कर दिया गया है। लोगों ने जो है यहां पर डीडीसी सदस्य के जो है प्रशंसा की है और कहा है कि एक लंबे समय की मांग को पूरा किया जा रहा है। कल बीती शाम अखनूर में एक बड़ी आग की त्रासदी को भारतीय सेना के जवानों की प्रतिक्रिया की वजह से टाल दिया गया। बता दें कि अचानक जंगलों में आग लगी, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने तीव्र प्रतिक्रिया दिखाते हुए इस आग की त्रासदी को टाल दिया। निदेशक स्वास्थ्य विभाग जम्मू के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामबन द्वारा उपजिला अस्पताल बनिहाल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रेड क्रॉस स्वयंसेवकों, कर्मचारियों, सेना के लोगों और सामान्य लोगों सहित 30 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। रूपनगर के जेडीए प्लॉट्स का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते आज एक बार फिर जम्मू के प्रेस क्लब में रूपनगर सेक्टर 6 का मामला जो है लेते हुए लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि 2010 में प्लॉट्स जो है आवंटित किए गए थे, परंतु आज 2022 आने को है इन्हें ये प्लॉट्स नहीं मिले हैं, जिसके चलते इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधा और कहा कि लगता है
कि जो लोग वहां पर गैर कब्जा किए हुए बैठे हैं, सरकार उनके आगे चुप हो चुकी है।